टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इन्होंने बोल दिया कि के की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन इसके रूट्स क्या है, इक्वल। और रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब भाई उनका डी किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो हमें पहले ही पता है क्वेश्चन में डी किसके इक्वल है, जीरो के। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। यहां से a हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा मेरा 2, b हो जाएगा मेरा k और c कितना हो जाएगा 3। फॉर्मूले पुट कर दूं, d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d मुझे पहले क्वेश्चन में पता है इक्वल रूट है, तो d 0 रहेगा। b² मतलब k का स्क्वायर - 4, a कितना हो जाएगा यहां पर 2 और c कितना हो जाएगा 3। तो सॉल्व करके तो 0 = k² - 4 टू द 8 की 24 माइनस का 24 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24 और स्क्वायर यहां से जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 के लिए 24 का एलसीएम ले लेते हैं, जैसे 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 24 को 2 * 2 * 2 * 3, तो 2 और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा बस 2 3 जा 2 * 3। तो अंडर रूट 24 को 2 रूट 6 लिखा जा सकता है, तो मैं लिख दूं यहां पे 2 रूट 6, लेकिन ये जो 2 बाहर आया प्लस का था या माइनस का हमें पता ही नहीं, तो मैं क्या लगा दूंगा, प्लस भी लगा दूंगा माइनस भी। तो k की वैल्यू प्लस 2 रूट 6 भी हो सकती है और माइनस 2 रूट 6 भी हो सकती है, क्लियर। यदि सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, kx * में x - 2 is + 6 is equal to 0। इसमें तो पहले इक्वेशन बनी हुई स्क्वायर वाली टर्म बनानी पड़ेगी, तो kx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा kx2, kx को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा - 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई है, तो यहां से a कितना आ जाएगा मेरा k, b कितना आ जाएगा मेरा यहां से x के अगेंस्ट है -2k और c आ जाएगा मेरा 6। हमें पता है इसके रूट्स इक्वल है, तो b में पहले पता है 0 के इक्वल है, तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। यहां पर आ जाएगा d की जगह 0, b² मतलब -2k का होल स्क्वायर - 4, a कितना है मेरा k और c कितना है मेरा 6, क्लियर है। माइनस टू के का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस टू का स्क्वायर देखो 4, के का स्क्वायर देखो के का स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के 24 माइनस का हमारा क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। अब 4 को भेज देता हूं मैं नीचे, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के अपॉन में 4, 4 से कटे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसके स्क्वायर से के काट देता हूं तो के की वैल्यू क्या आ गई 6।